Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello friends, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. This is Bhavya here. तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बांझपन को दूर करने के आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार. पर इससे पहले आप हमारे चैनल बेबी हेल्थ गाइड को अभी सब्सक्राइब करें एंड टैप दैट बेल टू वॉच आवर लेटेस्ट वीडियोस डेली. बांझपन प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है जिसके कारण किसी महिला के गर्भधारण में विकृति आ जाती है. महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण मासिक चक्र में गड़बड़ी है. इसके अलावा गर्भ नालियों को बंद होना और जननांग में गड़बड़ी आ जाना भी कारण हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बांझपन केवल महिलाओं के कारण ही होता है. पुरुषों में शुक्राणु का कम होना या अंडे तक पहुंचकर उसे उर्वर बनाने में शुक्राणु की असमर्थता होना भी एक कारण हो सकता है. अत्यधिक तनाव, शराब, धूम्रपान, बढ़ती उम्र, अधिक या कम वजन, यौन संक्रमित रोग, पोषण की कमी और अत्यधिक शारीरिक प्रशिक्षण, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार नियमित आहार और पौष्टिक आहार लेकर इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है. नंबर 1, अनार. रोजाना अनार का सेवन आपके बॉडी को फायदा देता है. ये गर्भाशय के रक्त प्रवाह में वृद्धि करता है और गर्भाशय की दीवारों को मोटा करके गर्भपात की संभावना को कम करने के लिए सहायक है. साथ ही यह भ्रूण के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है. टिप नंबर 2, दालचीनी. दालचीनी बांझपन से लड़ने में प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है. गर्म पानी के 1 कप में दालचीनी पाउडर का 1 चम्मच मिलाएं. कुछ महीनों के लिए दिन में 1 बार इसे पीते रहें. इसके अलावा अपने अनाज, दलिया और दही पर भी दालचीनी पाउडर का छिड़काव करके इसे अपने आहार में शामिल करें. टिप नंबर 3, अश्वगंधा. हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने और प्रजनन अंगों के समुचित कार्य क्षमता को बढ़ाने में मददगार यह जड़ी बूटी बार बार हुए गर्भपात के कारण शिथिल गर्भाशय को समुचित आकार में लाकर उसे स्वस्थ बनाने में मदद करती है. गर्म पानी के 1 गिलास में अश्वगंधा चूर्ण का 1 चम्मच मिश्रण बनाकर दिन में 2 बार लें. टिप नंबर 4, संतुलित आहार. प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए आप संतुलित आहार खाएं. एक स्वस्थ संतुलित आहार स्वास्थ्य की उस दशा या बीमारियों को रोकने में मदद करता है जो बांझपन का कारण हो सकती है. टिप नंबर 5, आयुर्वेद. महिला बांझपन के इलाज में आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है. इसके लिए आप कुछ दिन तक धूप में एक बरगद के पेड़ की कोमल जड़ों को सुखाएं, फिर इसका महीन चूर्ण बनाकर 1 बंद डिब्बे में रख लें. 1 गिलास दूध में चूर्ण के 1 से 2 बड़े चम्मच मिलाएं. महावारी का समय खत्म होने के बाद लगातार 3 रातों के लिए खाली पेट इसे 1 बार पिए. इसे पीने के बाद 1 घंटे के लिए कुछ भी खाने से बचे. टिप नंबर 6, खजूर. खजूर में कई पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन ए, ई और बी, लोहा और अन्य जरूरी खनिज तत्व जो गर्भ धारण करने के लिए आपकी क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना बांझपन का आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार. ऐसी ही और हेल्दी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें. टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी. थैंक यू.